राष्ट्रीय आविष्कार अभियान के तहत इको क्लब एंड यूथ क्लब की ओर स्वर्ण जयंती उत्कृष्ट राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सुलियाली में साइज क्यूज, ड्राइंग कंपटीशन व मैथमेटिक्स ओलंपियाड कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कक्षा 8वीं से प्लस 2 तक छात्र छात्राओं ने भाग लिया। विद्यालय प्रधानाचार्य कुलदीप चंद ने कहा कि आज हमारे स्कूल में यूथ क्लब व इको क्लब तथा राष्ट्रीय आविष्कार अभियान के तहत साइंस क्यूज तथा अलग अलग प्रतियोगिताएं करवाई गई है, जिसमें स्कूल के विभिन्न विभिन्न हाउसों के छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। हाउस के अंतर्गत क्यूज प्रतियोगिता करवाई गई, जिसको हमने 3 श्रेणियों में बांटा था, जिसमें साइंस आर्ट्स कॉमर्स ग्रुप और तीसरा हमारा जूनियर विंग्स में कक्षा 10वीं तक के बच्चों ने भाग लिया है। बच्चों ने बहुत बढ़िया रुचि दिखाई है। भारत सरकार हिमाचल सरकार की ओर से जो यूथ क्लब व इको क्लब चलाया गया है, यह बहुत बढ़िया कदम है। बच्चों को रिफ्रेशमेंट भी दी गई तथा जो बच्चे प्रथम द्वितीय रहे हैं उन्हें पुरस्कृत भी किया गया है। स्कूल छात्रा कशिश ने कहा कि मैं प्लस 1 की छात्रा हूं। हमारे स्कूल में क्यूज कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सभी बच्चों ने भाग लिया। साइंस क्यूज ड्राइंग कंपटीशन हुआ, जिसमें बच्चों ने अपना योगदान दिया और बच्चों को पुरस्कृत किया गया। स्कूल छात्रा रुद्रांशी ने कहा कि मैं 12वीं कक्षा की छात्रा हूं। हमारे स्कूल में क्यूज कंपटीशन हुआ, साइंस क्यूज आर्ट्स क्यूज ड्राइंग कंपटीशन तथा मैथमेटिक्स ओलंपियाड क्यूज हुआ, जिसमें बच्चों ने भाग लिया। जो बच्चे इस कंपटीशन में प्रथम द्वितीय उन्हें पुरस्कृत किया गया। नमस्कार, मेरा नाम रुद्रांशी, मैं कक्षा 12वीं की छात्रा हूँ। आज हमारे स्कूल में क्विज कंपटीशन हुआ था, जिसमें साइंस क्विज, आर्ट्स का क्विज, ड्राइंग कंपटीशन, मैथ ओलंपियाड, सारे क्विज हुए थे और जितने भी बच्चे फर्स्ट सेकंड आए उन सभी को पुरस्कार भी मिले और उनको सम्मानित किया गया। इससे हमें सीखने को मिला और इससे बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस भी बढ़ा, ताकि वो आगे आए और अपने आंसर दे सकें। जैसे ऑडियंस भी बच्चों ने आंसर दिए, उन सभी को भी चॉकलेट्स मिली वगैरह। धन्यवाद। मेरा नाम कशिश है, मैं GSS सुलियाली स्कूल में पढ़ती हूँ। मैं कक्षा 11वीं की छात्रा हूँ। आज हमारे स्कूल में क्विज किया गया, जिसमें सभी बच्चों ने अपना पार्टिसिपेट किया और हमारा साइंस क्विज हुआ, हिंदी क्विज हुआ और आर्ट्स हर बच्चों ने अपना पार्ट किया। ड्राइंग कंपटीशन हुआ हमारे स्कूल में और सभी बच्चों ने अपना अच्छा योगदान दिया और सभी को यहाँ पर खूब सारे उनके जितना मतलब उनके अंदर योगदान जिनका जितना उनके अंदर मतलब काबिलियत थी उनके अनुसार उनको प्राइजेस मिले और पुरस्कार मिले। धन्यवाद। 30 सितंबर 2023 को राजकीय उत्कृष्ट वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला सुलियाली में युवा एवं इको क्लब के तत्वज्ञान में एवं राष्ट्रीय आविष्कार अभियान के अंतर्गत प्रतियोगिताएं करवाई गई हैं, जिसमें भिन्न भिन्न हाउस जो थे वो हमारे विद्यालय में कार्यरत हैं। हाउस के अंतर्गत जो क्विज कंपटीशन यहां पर ऑर्गेनाइज हुआ है, क्विज को हमने 3 श्रेणियों में बांटा था, उसमें साइंस आर्ट्स और कॉमर्स ग्रुप और तीसरा हमारा जूनियर विंग, जिसमें हमारी 6 से लेकर 10th तक बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है। इसमें बच्चों ने बहुत बढ़िया जो है वो अपनी रुचि दिखाई है विज्ञान विषय के प्रति भी, और जो सरकार भारत सरकार की ओर से या हिमाचल सरकार की ओर से ये जो यूथ और इको क्लब चलाया गया है और साथ में राष्ट्रीय आविष्कार अभियान चलाया गया है, इसके अंतर्गत बच्चों को रिफ्रेशमेंट भी दी गई है और बच्चों को जो जिन बच्चों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है उनको प्राइज भी जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। तो आज इस प्रकार की गतिविधियां जो हैं वो विद्यालय में आयोजित होनी चाहिए, ताकि बच्चों में जो प्रतिभा छुपी होती है वो बाहर निखर कर आए, ताकि बच्चे जो हैं वो अपना आगे जाकर जो है वो विभिन्न गतिविधियों में बढ़िया प्रदर्शन कर सकें। धन्यवाद। हिमाचल प्लस न्यूज़ के लिए कांगड़ा से ब्यूरो संजीव महाजन की रिपोर्ट।